है ना। मैं मानती हूँ कि आप बहुत थके हुए हैं, लेकिन जो प्रैक्टिस मैं आपको बता रही हूँ ये आपको बेड पे बैठे बैठे ही करनी है, कहीं नहीं जाना, कोई मैट बिछाने की भी जरूरत नहीं है, अपने बेड पे बैठे बैठे आप प्रैक्टिस कर सकते हो। और मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ कि अगर आपने 10 मिनट ये प्रैक्टिस अभी मेरे साथ साथ में कर ली तो आपकी सारी थकान भी उतर जाएगी और आप बहुत ही रिफ्रेशिंग फील करेंगे। तो यहाँ पे कितने लोग ऐसे हैं जो दिन भर के थके हुए हैं लेकिन एक राउंड इसका मेरे साथ साथ में करने के लिए रेडी है? जो लोग रेडी है कमेंट सेक्शन में रेडी लिख दीजिए और अपने फोन को अपने डिवाइस को सामने रखिए और मेरे साथ साथ में करना स्टार्ट कर दीजिए। कॉमेंट में मैं आपके रेडी लिखने का इंतजार कर रही हूँ। जैसे ही आप रेडी लिखोगे आपके अंदर एक अलग तरीके की ऊर्जा आ जाएगी, सारी थकान अपने आप गायब हो जाएगी और ये प्रैक्टिस आप बड़े अच्छे से फॉलो कर पाओगे। तो चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं या फिर आपने अभी तक हमारे चैनल स्टेबिट विद अभिलाषा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर। कमर के फैट को रिड्यूस करेगा, बेली फैट को रिड्यूस करेगा और जो महिलाओं को ज्यादातर दिक्कत होती है ना कमर में दर्द होने की, उसमें भी आपको बहुत एक्सट्रीम रिलीफ कराएगा। तो क्या करना है इसके लिए, जैसे आप बैठे हैं उसी तरीके से बैठे रहिएगा, ऐसे दोनों पैरों को साथ में रखिए, कमर को एकदम सीधा कीजिए, कंधों को हल्का सा रोल कीजिए, ऐसे ऐसे गोल गोल घुमाइए अपने कंधे पूरे आगे से पीछे, कंधों में आपको एक अलग तरीके का आराम महसूस होगा। ऐसे पूरा रोल किया आपने, अब दोनों हाथ इस तरीके से आगे रख दीजिए, ठीक है। ध्यान रखना है कि आपको नीचे नहीं देखना है, सामने देखते हुए ऐसे आगे 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 अपने हाथों से वॉक करते जाइए इस तरह से। ये पेट आपका आप देखोगे थोड़ी सी वॉक करने के बाद अपने आप यहाँ पे आप खिंचाव महसूस करोगे। फील दिस स्ट्रेच एंड वॉक फॉरवर्ड, आगे चलते जाइए इस तरह से, जितना आगे तक आप जा सकते हो उतना आगे जाइए। दोनों हथेलियां नीचे रख दीजिए, हिप्स को आपको ऊपर नहीं उठाना है, सामने देखिए एंड जस्ट ब्रीथ हियर, वन टू, सामने देखिए थ्री फोर फाइव। अब धीरे से वॉक करते हुए पीछे आ जाइए, आपकी कमर की बहुत अच्छी स्ट्रेचिंग होती है। अगर आपको कमर में कोई छोटा मोटा प्रॉब्लम भी है तो भी आप ये प्रैक्टिस कर सकते हो। सेम प्रैक्टिस हम पीछे की तरफ करेंगे, दोनों हाथ इस तरीके से घुमा के पीछे रख दीजिए, कंधों को खोलिए पीछे की तरफ पूरा इस तरह से, कोशिश कीजिए दोनों हाथों को पास में लेके आने की इस तरह से। ध्यान रखना कि आपको कमर को ऐसे बिल्कुल नहीं छोड़ना है, कमर को एकदम सीधा रखिए, धीरे धीरे अपने चेस्ट को सामने की तरफ खोलिए, अपने कंधों को खोलिए, ऊपर देखिए, कमर में इस तरीके का हल्का सा आर्क आप महसूस करेंगे और यहाँ पे आके होल्ड कीजिए, ऊपर देखिए, वन टू, चेस्ट को आगे की तरफ पुल करते जाइए, फोर फाइव, लुक डाउन एंड सेंटर। आप देखोगे आपकी कमर एकदम सीधी हो गई है, जो हमेशा ऐसे झुके रहते हैं ना कंधे और कमर काम करने की वजह से, जिम्मेदारियों की वजह से, ध्यान ना देने की वजह से पोस्चर पे, ये आपके काफी इंप्रूव होंगे। अगर डेली आप सिर्फ इस प्रैक्टिस को 5 मिनट के लिए कर लेते हो, मतलब इस तरह से आप बार बार रेपिटेशन करते हो 5 मिनट के लिए, तो ये आपके पोस्चर को भी इम्प्रूव करेगा, बेली फेट को भी कम करेगा और आपके जो कमर के दर्द की समस्या है वो भी आपकी काफी हद तक रिड्यूस हो जाएगी, ठीक है। अब कर देख लेते हैं हमारी अगली प्रैक्टिस, जिसके लिए आप बिस्तर पे बैठे बैठे अपने पैरों को इस तरह से खोल लीजिए, ऐसे जितना आप आराम से ओपन करके बैठ सकते हैं उतना आराम से ओपन कीजिए, दोनों हाथों को साइड में रखिए इस तरह से और कमर को सीधा कीजिए। हो सकता है इतने पैर ना खोल पा रहे हो, कोई बात नहीं, जितने आराम से खोल पा रहे हैं उतने खोलिए, इससे भी ज्यादा खोल सकते हैं देन दैट्स ग्रेट, खोल लीजिए अपने पैरों को इस तरह से, कमर को सीधा कीजिए। अब आपको अपने हथेली को साइड में रखना है और दूसरे हाथ को कान के पास से ऊपर लाना है और इस तरीके से बैंड करना है, ये ठीक है। एक बार राइट, एक बार लेफ्ट, एक बार राइट, एक बार लेफ्ट, ठीक है। ध्यान रखना है प्रैक्टिस करते वक्त आपके घुटनों को आपको फोल्ड नहीं करना है। अगर आपको कमर दर्द की समस्या है या घुटने में दर्द की समस्या है तो घुटनों को इस तरह से फोल्ड करके फिर आप ये प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। हो सकता है कि जब आप पहली बार ये प्रैक्टिस कर रहे हो तो कमर में आपको काफी खिंचाव महसूस हो रहा हो आपके लोअर बैक में, अगर आपको स्लिप डिस्क का प्रॉब्लम रहा है या आपके L4 L5 में कोई प्रॉब्लम रही है तो घुटनों को हल्का सा फोल्ड करके प्रैक्टिस स्टार्ट कीजिए। जब आपको लगे आप आराम से कर पा रहे हो तो धीरे धीरे पैरों को नीचे रख दीजिए, ठीक है। इसके हम करेंगे टोटल 20 रेपिटेशंस, सो लेट्स स्टार्ट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 17 18 19 20, एंड जस्ट रिलैक्स, पैरों को फोल्ड कर लीजिए, थोड़ा सा रिलैक्स हो जाइए
ये प्रैक्टिस करने से आपका बेली फैट भी कम होता है, कमर का फैट भी कम होता है और आपके थाइस का फैट भी रिड्यूस होता है।